अभी हमारे सामने जो स्टॉक है ये है पुकारना लिमिटेड, पुकार करंट प्राइस इसका चल रहा है 342, कुछ अराउंड 342 के आसपास चल रहा है। और इसका जो स्टॉक का जो पी है वो है 37, विच इज द मोर देन द पी ऑफ निफ्टी, निफ्टी के भी पी से ज्यादा है। और बुक वैल्यू इसकी 118 है, यानी पीवी जो हुआ लगभग बनता है कुछ 3 गुना, 3 टाइम्स है इसका पीवी। ग्रेनाइट का काम करती है और पूरा का पूरा अराउंड 73% जो रेवेन्यू है इसका एक्सपोर्ट्स पर निर्भर है। तो मोटा मोटा मैं कहूँ तो इस साल इसका बिजनेस ठप हुआ है। इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको नीचे दिए हुए रीजन एक बार बता देता हूँ कि मैं किन बेसिस पर बोल रहा हूँ। और ये शेयर में काफ़ी ज़्यादा मंदी आई भी है, यानी लोगों ने इसे बहुत बेचा है। अगर आप इसकी पिछले साल की सेल्स देखिए, देखिए आप तो 393 दिखेगी और इस साल आप देखिए 295 करोड़ सेल्स गिरे हैं। फिर जो है हमारे ज़्यादातर जो जो है बोरोइंग्स जो हैं वो थोड़ी बढ़ी हैं, और रिजर्व्स बढ़े हैं लेकिन बहुत ही माइनरली बढ़े हैं। नेट प्रॉफिटेबिलिटी तो अराउंड मैं कह सकता हूँ कि 50% से ज़्यादा गिर गई है नेट प्रॉफिटेबिलिटी। सो बहुत सारे रीजंस हैं हमारे पास कि ये कंपनी का जो काम है वो एक तरीके से ठप हो चुका है। और ये कंपनी जो है गिरी भी है रिजल्ट्स के बाद, लेकिन जो एक वजह है मैं बताऊं आपको जो मुझे इसे लेने के लिए मोटिवेट कर रही है वो है इसका, अगर हम इसके बिजनेस को समझें, कई बार हम एक तरफा ही देखते हैं, हम खाली हम ये देखते हैं कि गुनहगार ने गुनाह किया है, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि क्या हालातों में उस गुनहगारों को वो गुनाह करने पे मजबूर कर दिया गया, कौन से हालात जिन्होंने उस गुनहगार को गुनाह करने पे मजबूर किया। अगर हम वो साइड देखें तो ज़्यादा हम अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे और एक फेयर डिसीजंस ले पाएंगे। जहाँ तक पोकरना की बात है, पोकरना का 73% जो बिजनेस है वो तो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट्स पर निर्भर है। आपको देखिए यहाँ देखिए 73% बिजनेस एक्सपोर्ट्स पर निर्भर है और ग्रेनाइट का बिजनेस है। अब कुछ मेरे जो है नॉन मार्केट के फ्रेंड्स जो हैं बोलेंगे, जो वाइन मार्केट में काम नहीं करते, जो सामान्य बुद्धि चलाते हैं कि भाई ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट बिजनेस ऑलमोस्ट अभी गिर जाएगा नीचे क्योंकि अब सिरामिक इतना अच्छा अल्टरनेटिव है। मैं बताऊंगा सिरामिक और ग्रेनाइट का कोई कंपैरिजन नहीं है। पहली बात तो ग्रेनाइट सिरामिक से कहीं ज़्यादा महंगा है, कहीं ज़्यादा मैं बताऊँ। और एक बहुत बड़ा तबका ये भी है जो ग्रेनाइट का इस्तेमाल करता है, और पहली बात ये एक्सपोर्ट्स पर निर्भर है, यानी इसके ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो आउटसाइड इंडिया है। आपको भी पता है कि आप टीवी भी देखते होंगे, आपको फिगर से भी आपको पता चल जाएगा कि 2020 से लेकर 2021 का फाइनेंशियल ईयर, ये जो समय था वो इंडिया के लिए इतना खतरनाक नहीं था जितना आउटसाइड इंडिया के लिए खतरनाक था। लेकिन जो नई वेव है वो इंडिया के लिए ज्यादा खतरनाक है और आउटसाइड इंडिया के लिए जो है रिलैक्सिंग हो रहा है, रिलैक्सेशन जो है हो रहा है। और वो ये जो नई वेव है वो वहां परेशान नहीं कर रही उनको इतना आउटसाइड इंडिया, ये बात तो हमें पता है। तो इस वक्त जिस फर्म का भले ही वो यहाँ लिस्टेड है लेकिन उसके रेवेन्यूज तो 73% आउटसाइड पर निर्भर है, हम ऐसी कंपनी से कैसे रिजल्ट अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। और ये एबनॉर्मल सिचुएशन है और ये सिचुएशन फर्म ने खड़ी नहीं की है, ये सिचुएशन अपने आप आई है। क्या ये सिचुएशन इससे आई है कि ग्रेनाइट का बिजनेस ठप हो गया? नहीं। क्या ये सिचुएशन इससे आई है कि भाई कंपनी गलत प्रोडक्ट्स बना रही है, कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है आउटडेटेड हो गए हैं? नहीं, कंपनी जो है कंपनी के ऊपर ये जो एक्सीडेंटल वेव आ गई है हमारे ऊपर, जो एक्सीडेंटल हालात आ गए हैं इस पूरी दुनिया पे, उन्होंने इसके बिजनेस को खत्म किया। और कौन सा बिजनेस खत्म नहीं हुआ है आप समझिएगा बात को, सब हुए हैं। और इस वक्त एक हम ऐसी फर्म को कैसे जज कर सकते हैं बिना उसकी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस को देखे हुए? और एक और सबूत, मैं इसको क्यों मोटिवेटेड हूं इसको लेने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं सब कुछ ठीक है, देखो फाइनेंशियल ठप हो गए हैं सब कुछ, आप पूरी उसको बदनामी कर दो पूरी तरीके से, लेकिन एक चीज जो आप पाएंगे वो ये है कि फिक्स्ड एसेट्स, इस कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स जो हैं सर वो लगभग 2.5 टाइम्स बढ़ चुके हैं। 2.5 टाइम्स, समझिएगा बात को, फिक्स्ड एसेट्स सिर्फ 2.5 टाइम्स। फिक्स्ड एसेट्स का एक्विजिशन कभी भी हवा में नहीं होता। अगर वो कंपनी श्योर होती है कि उसको कैपेक्स से, कैपिटल एक्सपेंडिचर से कोई फायदा होने वाला है, कोई ऑर्डर्स होने वाले हैं, तभी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है। तो ये इतना बड़ा जो कैपेक्स इंक्रीज है ये मुझे नहीं लगता ये कोई संजोग नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रहा है कंपनी क्या करने वाली है। देखिए ठीक है,
भाव की बात है हम डिस्कस कर लेंगे, कौन से भाव पे लेना है, कैसे लेना है, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। आपको एक तो बोलेगा बहुत है ओवर प्राइस्ड ऑलरेडी, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है इसमें। सो पहले ही फिक्स एसेट्स के पे गौर करना बहुत जरूरी है। 2.5 टाइम्स इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट नॉर्मल। कोई ना कोई इसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है इस कंपनी के मन में, और ये कुछ करना चाह रही है और ये कुछ फोरकास्ट कर रही है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है इससे। चलो अब मैं बात करता हूँ क्यों लेना चाहिए, कौन से लेवल पे लेना चाहिए। हमारे सामने इस वक्त पोकरना का चार्ट है और हम देख रहे हैं कि भाई ये लगभग 416 के लेवल से गिर रहा है, समझिएगा बात। और अभी ये इस वक्त चल रहा है 342 का, इसने इतना तगड़ा सपोर्ट बनाया है 314 रुपए पे, 314 पे इसने इतना तगड़ा सपोर्ट बनाया है। तो अभी जो बेस्ट लेवल है इसे लेने के लिए वो है 314। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये सपोर्ट है, ये करंट जो है 340 का सपोर्ट है। मैं बोल रहा हूँ कि आपकी भी नहीं मेरी भी नहीं, आप 340 पे आधे क्वांटिटी उठाइए, समझिएगा 340 पे आप आधी क्वांटिटी उठाइए और 314 पे आप रिमेनिंग आधी क्वांटिटी उठाइए। और जो लोग और रिस्क टेकर नहीं है, मतलब जो लोग रिस्क टेकर ही नहीं है, जो लोग और सस्ते दामों पर लेना चाहते हैं और जो लोग ओवरऑल मार्केट में क्रैश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए जो बेस्ट लेवल है बाय करने के लिए 275 का लेवल है बाय करने के लिए। अगर आप अपने पूरे पोर्टफोलियो आप जो भी कैपिटल है, आप कैपिटल एलोकेशन इस लेवल पे करते हैं 342 पे, और फिर इस लेवल पे करते हैं 315 पे, और इस लेवल पे करते हैं 272 पे, तो कुछ ना कुछ तो आप कमा के जाएंगे। देखो रिस्की बैट है मानता हूँ, लेकिन ये जो फिक्स एसेट्स में जो एबनॉर्मल राइज है, ये जो है ये बहुत ही एक जिसे कहते हैं एक एक्साइटमेंट खड़ा करता है एक इन्वेस्टर के माइंड में, कि बिजनेस एक तरीके से जो है एक राइज का कॉन्फिडेंस है प्रमोटर्स और मैनेजमेंट को। तो मुझे लगता है कि पहले हमें जो दाव खेलना चाहिए करंट मार्केट प्राइस पे, आप जो है 30-40% क्वांटिटी अपनी उठाइए, फिर 314 का वेट करिए, फिर उस पर अपनी 30-40% क्वांटिटी उठाइए, और लास्ट का जो चंक है आप खरीदेंगे 275 पे। 275 पे आप लास्ट का चंक खरीद लेना। और इसके जो टारगेट हो सकते हैं वो मुझे लगता है अगला ये, अगर ये मैं मतलब अगर मैं ये देखूं तो अराउंड जो टारगेट बनता है वो बनता है 440 रुपये का अपसाइड। मैं उम्मीद करता हूँ 100 रुपये का अपसाइड इसमें आएगा आएगा और आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक साथ सारे फंड मत डालिए, धीरे धीरे करके डालिए और फिर रख के भूल जाइए। 440 रुपये पे इसका मैं टारगेट देखता हूँ, 100 रुपये का अपसाइड आपको ये दे सकता है विद इन 1 or 2 months और क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 100 रुपये का अपसाइड इसे देना चाहिए। मैंने आपको लॉजिक्स बता दी हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कि मैं फाइनेंशियल्स जो ठप हुए उनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैंने इसलिए तो आपको नीचे तक की एवरेजिंग बोली है। अगर मैं कॉन्फिडेंट होता तो मैं अभी आपको मार्केट रेट पर सारे के सारे दिलवाने की सलाह दे देता, ले लो। लेकिन मैं आपको 275 तक खींचने की बोल रहा हूँ ना, 30-40 डालते जाइए, 30-30 करके डालते जाइए, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो मेरा यही है कि मैंने आपको रीज़न शेयर कर दिया, ट्रेड इनिशिएट कीजिए यार।